कोई बात नहीं, आराम करो, चाचा से बोलो। चलो इस एक बार फिर से वेलकम बैक। हम लोग लखनऊ आ चुके हैं, जैसा कि कुछ दिनों से हम लोग उत्तराखंड में थे, हमने वीडियो बनाई आपने देखा, और आज फिर से हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। देखिए गाइस, इस टाइम हम लोग हज़रतगंज से 1 किलोमीटर की दूरी पे ये है प्राणी उद्यान के लिए यानी जू चिड़ियाघर पे आ चुके हैं। यहाँ का नज़ारा, यहाँ के बारे में बताने के लिए कई लोगों ने हम लोग से कहा कि आपने जू दिखाइए, तो हम लोग इसलिए यहाँ आए हुए हैं और यहाँ का आपको सारा एक हम आपको बारे में बताएंगे। देखिए यहाँ पे बगल में टिकट घर है, यहाँ से आपको टिकट परचेज करना पड़ेगा। एक टिकट ये मान के चलिए इस टाइम जो 80 रुपये का हो चुका है, और अगर आप वीडियो कैमरा लेके आते हैं तो उसका चार्ज अलग से आपको देना पड़ेगा। और हम लोग इस बाहर की बाउंड्री पे खड़े हुए हैं, अब इसके वजह से हम अंदर जाएंगे, फिर आके बारे में बताएंगे क्या क्या यहाँ पे है और कब आइए। और ख़ास तौर से ये जो है जू मंडे को बंद रहता है, तो कृपा करके आप लोग मंडे को मत आइएगा, बाकी दिन 7 दिन ये खुला रहता है। और हम लोग अब इसके अंदर जा रहे हैं और यहाँ के बारे में पल पल रिपोर्ट और पल पल एक एक जानकारी हम आपको देंगे। चलिए हम अपने कैमरामैन से कहेंगे यहाँ का जू का गेट दिखाएं और हम अंदर चुके हैं। जू की एंट्री होते देखिए लिखा है लखनऊ जू, 100 साल पूरे हो चुके हैं जू के, और ये फ्रंट में ही आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए हम यहाँ से आपको यहाँ का सारा नज़ारा दिखाते हैं, एक एक चीज़ दिखाते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर बच्चे आएँगे तो अति रोमांचित हो उठेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और यहाँ के बारे में जानेंगे। चलिए हम अपने कैमरामैन से कहते हैं आगे चलिए। चलिए हम आगे दिखाते हैं एक एक चीज़ आपको बारे में, जानवरों को दिखाते हैं जो जो जू में है यहाँ पे, क्योंकि बड़ा फेमस जू है हमारे यहाँ का। ये देखिए पटरी है, बाल ट्रेन, इस ट्रेन को भी हम आपको दिखाएंगे। और अभी आपको एक जगह लेकर जा रहे हैं जहाँ पर शूटिंग हुई थी, रेखा जी ने जो डांस किया था दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, वो यहीं पर शूटिंग हुआ है वो सॉन्ग का। आपको दिखाते हैं कहाँ पर उन्होंने डांस किया था, और बहुत ही फेमस जगह है ये सॉन्ग, अगर आप यूट्यूब पर देखेंगे तो ये जगह आप देख सकते हैं। अभी लेकर चलते हैं आपको जल्दी से। चलिए ऋषभ जी, यार ये चीज तो आपने हमें पहली बार बताई, हमको होते हुए यहाँ नहीं मालूम था। तो दिल क्या चीज है आप मेरी जान लीजिए, ये इसी में शूट हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आज हमको भी देखने का मौका मिला कि दिल चीज क्या, रेखा जी ने यहाँ डांस किया था। आप देख सकते हैं हमारा लखनऊ सिटी में नई नई पिक्चरें तो शूटिंग हो ही रही हैं, लेकिन पुरानी भी इतनी मूवी यहाँ पर शूट हुए, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग नवाबों के शहर से ताल्लुकात रखते हैं। इसी जगह पे सेम यहीं पर बीच में बिल्कुल वाह रेखा जी बैठी थी और यहीं पर पूरा डांस हुआ था, आप देख सकते हैं ऊपर से लेके आपको नीचे। बड़ी नायाब चीज है भाई, हम आपको जू वगैरह तो दिखाते ही दिखाते हैं, साथ में मूवी पिक्चर कहाँ शूट हुआ वो भी दिखाते हैं। सामने देख सकते हैं आप झरना, ये देखिए कुछ जानवर अंदर क्या चुलेंगे बाड़े पे खड़े हैं, कहाँ पर वो देखिए सामने चलते हैं। हाँ वहाँ होगा, ये देखिए धनुष बाण आपका, ये देखिए खेल सकते हैं, खेल सकते हैं एडवेंचर। ये चीज है दरियाई घोड़ा हमको लग रहा है। हाँ ये देखिए, हाँ ये देखिए पानी वाला, हाँ ये देखिए दरियाई घोड़ा है सामने दिखाई, ऋषभ जी वो देखिए जा रहा है सामने जा रहा है उधर से वही आता है। आइए आपको उधर क्लियर दिखाते, वो दिखा रहे दरियाई घोड़ा, हाँ दरियाई घोड़ा आपको दिखाते हैं, इसके बारे में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए ऋषभ जी, ये देखिए इधर शूट कीजिए, ये देखिए सामने, ये देखिए सामने, ओह माय गॉड, बिल्कुल बिल्कुल है नहाया धोया एकदम है यार, बिल्कुल चमक रहा दरियाई घोड़ा। यहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं, इसका देखिए इसके बारे में लिखा है मेल है, मेल है, हाँ ये मेल है लिखा, देखिए आता 11 लिखा है, इसकी नर की लंबाई 11 से 12 फीट तथा मादा 9 से 11 फीट के, वजन इसका है नर 35 से 4000 किलोग्राम, मादा 4000 बताइए, मादा 2000 से 25 किलोग्राम, जीवन काल इसका होता 25 से 40 वर्ष, जंगल में तथा प्राणी उद्योग में 40 से 45 वर्ष, विस्तार इसका है मतलब पाया जाता है अफ्रीका लंबिया दक्षिण सहारा के रेगिस्तान में, उथली झील नदी तथा दलदल में रहता है, भोजन शाकाहारी है। चलिए उसको घूमने के लिए कम से कम आपको यहाँ से 2-3 दिन चाहिए, हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके आपको दिखा सकें कि मतलब जी हैं कि कितने मस्ती में हैं लोग, क्यों नहीं सकते जी। फॉरेनर लोग भी यहाँ पर आते हैं, देख सकते हैं आप, एक फॉरेनर हैं जो कि जिनके बच्चे मतलब झूला वगैरह झूल रहे हैं, और अभी तो यहाँ पर भीड़ तो कम है लेकिन स्कूल के बच्चे यहाँ पर ज़्यादा आए हैं पिकनिक वगैरह के लिए, यहाँ पर स्कूल के बच्चे ज़्यादा आते हैं क्योंकि बहुत बड़ा पार्क है और इसके अंदर सेफ्टी वगैरह भी ज़्यादा है, तो आप आइए तो यहाँ ज़रूर विज़िट करिएगा, इस जगह पे ज़रूर आइएगा।
देखिए यहाँ भी इन्होंने इन लोग को नहीं छोड़ा, यहाँ भी लोगों के आज के सवाल हैं। परमिला, फुरकान, पूनम, ये कब सुधरेंगे? हम लोग हर जगह जाते हैं, जब इन चीज़ों को देखते तो बड़ा दुख होता है कि बताइए कितनी गलत बात है। इस तरह लिख रहा आई लव यू, क्या है इसका मतलब? तो फाइन लगाना चाहिए यहाँ पर। सही बात है, अगर ये सब आकर गंदा करते हैं तो सख्त फाइन लगाना चाहिए। मोबाइल नंबर तक लिख रखा, कितनी गलत बात है भाई ये। कपल्स की तो एंट्री बंद कर देनी, बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए ऐसे लोगों को। तो सामने स्कूल के बच्चे भी आज आए हुए हैं, कितना खुश है क्योंकि ये पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, और सब एक एक लोग कितने खुश हैं देखने के लिए। देखिए यहाँ बगल में साइड में कैंटीन भी है, अगर आप आते हैं तो खाने पीने के लिए यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसको आप खा सकते हैं। ये देखिए ये अतिथि विशिष्ट विमान है, राजहंस इसका नाम है, इसे इंदिरा गांधी ने जो है यहाँ पे डोनेट कर दिया था। कहेंगे अपने कैमरामैन से कि जहाज़ का जो है पूरा आपको दिखाएं, साइड से लेकर बड़ा कितना बड़ा था ये। तो यहाँ पे जो है इसके अंदर सब हम लोग जाते थे और इसके अंदर सब चीज़ सारी व्यवस्थाएं थी बैठने उठने के बच्चों के लिए, लेकिन ये अभी कुछ सालों से इसको बंद कर दिया गया, अंदर बिल्कुल लॉक कर दिया गया है। तो कितना बड़ा प्लेन किस तरह से ला के इसको अंदर लाया गया है, अब ये देखिए इसको लाने के लिए कितने ट्रैफिक को रोका गया था, बाय रूट लाया गया है क्योंकि असेंबल नहीं हुआ, ये ला के ऐसे खड़ा कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि मतलब इसका ऐसा कोई नहीं कि पार्ट खोल के लाया गया हो, इसको ऐसे ही लेके आया गया था, मतलब ये चलता हुआ प्लेन था। ये देखिए इसके बारे में है, 105 फीट ये लंबाई है इसकी, चौड़ाई है 83 फीट, ऊंचाई है 30 फीट। वायन दिल्ली से उड़ के 1900 अगस्त में लखनऊ के अमौसी अड्डे पर लाया गया था, लगभग 30 वर्ष तक वहीं अड्डे पर खड़ा रहा, बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे राजहंस लखनऊ को भेंट कर दिया, मतलब संग्रहालय को भेंट कर दिया गया, और ये आकार में बड़े होने के कारण इसे लखनऊ की सड़कों में राजहंस संग्रहालय परिसर में लाया गया। एक श्रम कठिन कार्य था, लेकिन तत्काल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पात्र 21 जुलाई 1983 के द्वारा रक्षा मंत्री भारत सरकार के उक्त वायुवान के भारतीय वायुसेना थल सेना के अधिकारी द्वारा ये चिड़ियाघर में लाया गया। अब ये सोच लिए बाय रोड लाया गया था, रोडों को ब्लॉक कर दिया गया था, केवल इसको घसीट के यहाँ पर ला के इसकी सारी व्यवस्था करी कि इसको खड़ा करा गया है। इसका उद्घाटन राजेंद्र सिंह राणा ने करा था, राजमंत्री थे उस टाइम, ये 8 सितंबर 1906 दिन शुक्रवार को इसका शिलान्यास हुआ था। विराजमान विक्टोरिया लंबाई 19-30 क्या है, 20वीं शताब्दी की आने की है, धातु 24x2 सेंटीमीटर। विक्टोरिया जी, ये भी विक्टोरिया जी हैं, इनकी हिंदा हूँ। आइए इधर, ये हैं सिंहासन निर्माण विक्टोरिया, संगमरमर में इनको बनाया गया है, प्रयागराज, यानी उस टाइम जिसका नाम मतलब इलाहाबाद में बनाया गया है, ये वहाँ की उसकी संगमरमर है सब, इसमें विक्टोरिया ही है। ये भी देखिए विक्टोरिया है, इसकी लंबाई 19 फीट है, ये देखिए ये भी धातु की बनी है विक्टोरिया, ये भी धातु की बनी है। ये फैजाबाद में बनाई गई है, सिद्धाकर विक्टोरिया, ये फैजाबाद में किसी ने बनाया है। ये देखिए सबसे विशाल 82.55 विक्टोरिया, लंबाई 1920, गोरखपुर में, गोरखपुर से किसी ने बना के जो है, हमारे यहाँ भी कलाकारों की कमी नहीं रहती है। ये देखिए सिद्धाकर विराजमान विक्टोरिया जी, ये भी है। ये देखिए जॉर्ज पंचम प्रयागराज, ये भी इलाहाबाद में बनी है, बना के से यहाँ लाया गया है। ये भी प्रयागराज इलाहाबाद, सर जॉन, देखिए बंगाल व अवध के गवर्नर थे ये। ये देखिए इनकी ठाट, देखिए इनके बिल्कुल, ये देखिए जनरल लाशक चीफ कमिश्नर, ये लखनऊ में बनाए, लखनऊ के मतलब ये थे जनरल, ये लखनऊ के चीफ थे, बताइए चीफ ऑफ कमिश्नर ऑफ अवध थे। वाह, ये देखिए चीफ ऑफ कमिश्नर अवध, ये भी हमारे लखनऊ के अवध के वो चीफ थे, बताइए संगमरमर ये भी लखनऊ द्वारा बनाए गए। आइए ये जॉर्ज पंचम संगमरमर प्रयागराज इलाहाबाद से बना के से किसी भेंट करा है से यहाँ दिया है। आइए चलते हैं, प्रयागराज से जो है
काफी अच्छे अच्छे संग्रहालय है, काफी अच्छी अच्छी मूर्तियां हैं, लेकिन हालत थोड़ी बदहाल है ये मान के चलिए। ये थोड़ा सा ये बनारस और ये है प्रयागराज, यानी इलाहाबाद के लोगों ने ज्यादा मतलब वो करा है। खुशी हुई कम से कम हमारे व्यूवर इस चीज को देखेंगे, और इसे बाड़े में देखिए, वो देखिए वहाँ पे बैठा है, क्यों सब जी बैठा ना जी, बड़ा खतरनाक। इसको जूम करके दिखाइए जरा, ताकि जब आपको जूम करने की हम कोशिश कर रहे हैं, करिए जितना जूम सके। देखिए एक इधर भी है, ये देखिए इसके अंदर बैठा है, ये देखिए वो देखिए बाड़े में देखिए, आज अच्छे टाइम। ये देखिए, ये देखिए इसका इसका हमला देखिए, ये देखिए आप बिल्कुल आपस में एकदम बिल्कुल, यानी हम लोग सही टाइम पे आए, यानी शूट करने को मिल गया, दिख गए। हालांकि दिखते नहीं है, अंदर रहते हैं, आज मौसम थोड़ा साफ है तो लोग बाहर पिकनिक मना रहे हैं मान के चलिए। और बाकी अगर किसी दर्शक को पिकनिक मनाना तो इसके अंदर चला जाए, सारा आनंद मिल जाएगा उसको। अभी देखिए कितना भयंकर बाड़ा, कितनी भयंकर खाई बना रखी है, बिल्कुल दोनों मस्त हैं एकदम। देखिए चलिए भाई, हमें बड़ी खुशी हुई कम से कम हमारे व्यूवर इस चीज़ को देखेंगे, हमको बताएंगे कि हमने कम से कम इनके लिए इसके बारे में यहाँ देखिए। हाँ ये देखिए, ये देखिए, देखिए लिखा है इसकी इसकी लंबाई 8 से 11 फीट की लंबाई है सोलिए। इसका भी जीवन काल 10 से 15 वर्ष का है, और ये देखिए गर्भकाल है। चलिए खतरनाक है भाई, वो देखिए सामने दिखाइए सर से, ये देखिए कैसे खुखा रहा है, इधर आइए इसका भी इंटरव्यू ले लिया जाए, क्या क्या बोलते हैं ये आप देखा ना। अरे इधर देख लीजिए सर, हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, ये देखिए कह रहा है कि अब लाइव मत दिखाओ, बहुत लाइफ हो जाए तुम्हारी जीवन लाइफ हो जाएगी। अरे गुस्साओ नहीं मैं सरकार, ये देखो। चलिए ठीक है, बड़ी खुशी है कि हमसे आपने दर्शन तो दिए यहाँ पे, लगे बस्ती में मस्त हो रहा है, छेड़ने की कोशिश मत कीजिएगा वरना आप उसके जिम्मेदार खुद होंगे। देखिए अगर अगर कोई भूल से इसमें टपक जाए तो फिर उसका बर्थडे तो हो ही जाएगा ये मान के चलिए, आराम से है ना। अरे अभी हमारे लखनऊ में बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी चलिए अभी आगे दिखाते हैं, और अभी उसका बर्थडे देखो बेटा। चलिए अब तेंदुआ से मिलते हैं, तेंदुआ जी से मिलते हैं, वो क्या कर रहे हैं बाड़े में। ये देखिए इनका भी मतलब जो है लाइव टेलीकास्ट हो गया। अरे सरकार ये देखिए यहीं पे बैठा, आज हमारे व्यूवर कितना खुश हो जाएंगे कि मतलब हम लोग एक एक जानवरों को बाहर निकाल दिया हमने देखने के लिए। देखिए ये भी धूप का आनंद ले रहा है बेचारा, क्या करे पेड़ के नीचे मस्त है एकदम। चलिए हम आपको इसका वो दिखा देते हैं हिस्ट्री। हाँ इसके बारे में हिस्ट्री दिखाते हैं अगर आप। हाँ इसके बारे में हम आपको बताते हैं। हाँ इधर आइए, इसका वजन जो है 4 से 70 किलोग्राम से है। इसकी आयु भी जो है 12 से 15 वर्ष की होती है। ये भारतीय उपमहाद्वीप सहारा द्वीप से लाया हुआ है, और ये मान के इसके गर्भकाल 90 से 105 दिन का है ये वन जिया दे। हाँ बाकी तो आपको मालूम ही है। ये क्या चीज़ है भाई, ये अच्छा है, हम लोग जानवर सब देखने को मिल गया यार बाहर, है ना। तेंदुआ तो है जो बेजवानों की जवान पड़ता है, सही बात है, लेकिन आजकल बेजवानों की जवान पड़ते कहाँ, लोग तो लात मार के निकल जाते हैं अगर कोई पड़ा हो रास्ते में। चलिए आगे देखते हैं, आ रहा हूँ मैं। ये देखिए इस जगह पे है, और देखिए कितना मस्त घूम रहा है, आ रहा है कि एक बार खुशबू इधर घूम जाए तो क्या होगा ये बताइए तो अच्छी लपट कर देगा क्यों ये। हाँ बिल्कुल देखिए मस्त है एकदम, पास से दिखाने बिल्कुल जूम करके दिखाइए हमारे व्यूअरों को। देख ये पप्पू बेटा, ये देखो कह रहा नहीं बात करूँगा, देखिए निकल लिया। ये देखिए ये मादा है, और मेरे ख्याल से इसकी वो उधर है गर्लफ्रेंड, उधर है इसकी, वो सो रहा है सो रही है, वो सो रही है, ये सो रहा है ये देखिए देखिए आप सही देखिए बिल्कुल देखिए। हमने कहा लाइए मौका अच्छा था, हमने कहा तुरंत शूट करो इसको, ये देखिए है। चलिए देखिए देखिए इसको, देखिए इधर ही आ रहा, देखिए बचिएगा नहीं सब जी, ऐसा ना कि पिंजरा तोड़ के बाहर आ जाए। नहीं चलिए ठीक है, हम इस जगह पे ये भैया ये इसको क्या कहते हैं, अच्छा ना ये जो आपकी गाड़ी है, ये गाड़ी अगर हमें बुक कर, बैटरी कार है, अगर आपको आना है इसमें कम से कम 7 लोग आ सकते हैं तो ये बुक होती है, चाहे आप अकेले हों चाहे कुछ हो। इसका चार्ज क्या है सर जी, इसका चार्ज क्या है सर जी,
472 रुपये एक घंटे का होता है। आधे घंटे का 236 रुपये। आधे घंटे का 236 रुपये और एक घंटे का 472 रुपये। एक घंटे में हम लोग जानवर रोक रोक के दिखा देते हैं। अच्छा, जानवर दिखा देंगे आपको। अगर आप कभी आना चाहे तो आप ये रिक्शा बुक करा सकते हैं, 6-7 लोग हैं। अगर आपके बड़े बुजुर्ग चल नहीं पाते हैं तो उनके लिए भी बढ़िया। ये सारे जानवरों को आपको एक एक जगह दिखाएंगे, क्योंकि ये अंदर ही रहते हैं और ये अंदर के ये जन को पता भी कौन सा जानवर कौन है, क्योंकि इनका काम ही है ये। देखिए, अरे वाह, वाह, ट्रेन का नाम लिया, देखिए आ गई ट्रेन। अरे आइए आइए आइए, इससे अच्छी कौन सी बात हो गई। ये देखिए बच्चों लोग, जोर से बजाओ ताली, जरा कोने में हो जाओ। ये देखिए, हम अपने व्यूअरों को दिखा रहे हैं कि देखिए बाल ट्रेन आ रही है। ये देखिए हमारे ड्राइवर साहब जी जो है आगे इसको चला रहे हैं। अब इन सबसे हम हाई करेंगे, बाय करेंगे। इधर आइए जल्दी जल्दी, देखिए हमारे, ये देखिए ट्रेन का मज़ा। अरे ड्राइवर साहब बहुत अच्छे, ये देखिए हमारे ड्राइवर साहब कितने मस्त हैं। ये देखिए बच्चे लोग, इधर इधर इधर, ये देखिए कितने मस्त हैं सब बच्चे लोग। देखिए सेल्फी खींची जा रही है, आनंद ले रहे हैं, बड़े बुजुर्ग सब हैं इसके अंदर। देखिए आप कितनी मस्ती भरी ट्रेन। भैया जरा चैनल मत खींचना ट्रेन में, ठीक है, चैन मत खींचना। ये देखिए अंकल जी भी हमारे कितने मुस्कुरा रहे हैं। नाक किसी टोट पे दिख रही है, कितना भयंकर, कितना खूंखार लग रहा है। देखिए ये क्यों सर जी, इसकी पूंछ कहाँ है? पूंछ तो नजर ही नहीं आ रही, मुंह दिख रहा है इसका, पूंछ नजर नहीं आएगी, बहुत भारी होता है ना ये। ये देखिए एकदम तो अभी आता है, निकलता है ऊपर, अभी शायद निकलेगा बाहर। ये देखिए मेरे ख्याल से निकलेगा, आप लगाए रहिए कैमरा, शायद निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। उधर भी देखिए लोग देख रहे हैं, यही है। ये देखिए देखिए निकल रहा है, निकल रहा है, ये निकलेगा नहीं, अंदर वापस हो जाएगा हमको लग रहा है। बैक गियर लगा रहा है ये। कोई ढूंढ रहा है कि कोई मिल जाए तो अंदर लपक ले, लेकिन बाबू कुछ मिलेगा नहीं, निकलेगा, निकलेगा नहीं, निकलेगा, इतनी तेज जंप नहीं मारेगा ये, मार जंप निकल जाता धीरे धीरे, शायद नहीं मारेगा जंप। ये यहाँ पर नाराज हो गया है, ये रुक गया है, यहाँ पर रुक गया है, इसका स्टॉपेज हो गया है, बोल रहा है कि अब जो हम निकलेंगे नहीं, अब हम डूब जाएंगे इसी के। 4-5 इसमें है आपके यहाँ पर मगरमच्छ। चलिए आगे देखते हैं। घड़ियाल, घड़ियाल था ये, इसका हिस्ट्री यहाँ पर लिखा हुआ है। ये भी उत्तरी विस्तार का भूटान नेपाल पाकिस्तान में पाया जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र महानंदी में इसका है भोजन, इसका मछली और मेढक है। गंगा तो अभी हम लोग हो क्या है। सही बात है, चलिए आगे दिखाते हैं, देखते हैं। ये मगरमच्छ को देखिए कितना आनंद फरमा रहा है, इस टाइम धूप से निकल के जो है छाए में बैठा है। क्यों, कितना भारी, कितना देखिए मोटाई देखिए इसकी, सब वहाँ पे आराम कर रहे हैं, बिल्कुल धूप का आनंद सेक रहे हैं ये। अरे ये देखिए कितना आनंद से है ये, कि बता नहीं सकते। एक आपको वहाँ दिखाओ, ये दो यहाँ बैठे हैं, दो यहाँ बैठे हैं, एक ये है और एक आपका, ये दो यहाँ पर बैठे हैं और एक और है, एक आगे बैठा है। ये देखिए ना इसको, ये दिखाइए जला, ये देखिए अंडे का आनंद ले रहा है ये, मान के चलिए। अभी वैसे हल्का हल्का ठंडा है लकड़ों में, तो हम लोग को जानवर देख पा रहे हैं। जाड़े में आप आएंगे तो एक भी जानवर आपको देखना मुश्किल हो जाएगा, जब तक धूप नहीं निकलेगी। ये बात भी सही है, देखिए अभी आपको हम क्लियर तरीके से कितने जानवर दिखा चुके हैं और कितने दिखाने जा रहे हैं, लेकिन अभी आप जाड़े में आएंगे अगर नहीं देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये देखिए सामने, देखिए ये देखिए, उधर देखने लगे। हाँ पप्पू क्या हाल है, हम लोग की आवाज़ सुन, ठीक है, आराम करो बेटा, हम तुमको दिखा रहे लोग, हमारे बच्चे लोग देखेंगे, व्यूवर देखेंगे, तभी तो तुमको देखने आएंगे। देखिए हमारे व्यूवर, ये है चिकारा, ये देखिए भाग गया चिकारा हमारा, इधर आइए चिकारा जी। ये देखिए ऋषभ जी, इन्हें दिखाइए, ये देखिए कितना खूबसूरत प्राणी है ये, देखिए किस तरह से खा रहा है ये। हाँ ये मादा 16 से 20 किलो उसका होता है ये वजन का, इसका वेट है, और ये फली घास तरबूज कद्दू ये फसलें सब खाता है ये, है ना। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के आसपास अफगानिस्तान में पाया जाता है, ईरान में, पाकिस्तान में ये पाया जाता है। देखो इसकी टांगे देखिए आप कितनी लंबी लंबी है, ये बताइए पूरा टांगों पे पूरा वो बड़ा है इसना। देखिए चलिए आगे आइए, दिखाते हैं आगे, कैट को देखिए कितनी खुखार लग रही है। म्याओ, म्याओ, म्याओ।
देखा आपने, ये विशेष प्रकार की बिल्ली है। ये दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका, दक्षिण चीन में पाई जाती है। मछली और छोटे सांप आदि खाती है ये। इसकी लंबाई देखिए बिल्कुल। और बच्चे लोग, आप लोग घूमने आए यहाँ? कौन से स्कूल से हैं? लाडली। लाडली, क्या क्या देखा लाडली आप लोग ने यहाँ? चलिए देखिए किस तरह से अंदर है, कितने बड़े बड़े कछुए हैं, है ना? ये कछुए भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। देख सकते हैं पानी से निकल के ऊपर बैठे हैं आराम से। आइए आगे देखते हैं। ये हुक्कू कहाँ चिल्ला रहा है, इसको कैद करो। हुक्कू को कहाँ है भैया? हुक्कू, पप्पू लोग आ गए। लो पिंजरे से ही भाग गया लग रहा हुक्कू। आओ आगे देखिए, इधर बैठा शायद मोर होगा। हाँ ये देखिए मोर पंखी का पेड़ है। तो इसका नाम है धनेश। हम लोगों ने तो अभी तक इसके बारे में जाना ही नहीं था। ये धनेश भाई हैं। हाँ ये भी भारत भूटान नेपाल में पाया जाता है। ये देखिए बिल्कुल मुर्गे की तरह लग रहा है। देखिए एकदम ये देखो पैरा निकल लो बहुत तेज। मैं अंदर हूँ तो तुम चिल्ला रहे हो बाहर। चलिए आगे देखते हैं इनके। ठीक है बहुत कैटेगरी है इनके। आगे तो घूम जाइए जरा सा। ये देखिए मस्त है बिल्कुल। हाँ ये देखिए कलर कितना अच्छा है इनका, खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए लायंस कलर द्वारा है। अवधगढ़ से लेकर अपना गांधी मार्ग। ओ ये देखिए कितने पैरेट, ये देखिए कितने अच्छे अच्छे कलर के हैं। नहीं हरे, अभी सब बच्चे हैं छोटे छोटे। देखिए ये देखिए, ये नीचे बन मुर्गी है क्या? ये है ना, ये देखिए ये अंदर सब कह रहे। देखिए ऊपर अच्छी व्यवस्था है सब। बेनाम बेनाम हो बच्चे लोग। देखिए कितना लंबा है, पैर की लंबाई देखो बिल्कुल एकदम, मतलब कितने पतले पैर है, कितना बड़ा जानवर है। ये देखिए बिल्कुल डक। ये देखिए ये डक की तरह। इधर वाला तो पानी में आनंद ले रहा है। ये हैं ये खाते, अच्छा ये भी खाते मछली। देखो एक मछली रखी है, देखो मछली रखी है, देखो खाया नहीं उसने है। वो देखो उसके उसमें रखी है मछली, एक फिश रखी है, नहीं छुआ उसने। कितने लंबे लंबे चोंच हैं इसके। अगर मारते तो हाथ की बस उंगली चली जाएगी, मान के चलिए आप। ये देखिए हाँ लंबी। चलिए इसकी आयु कम से कम ये मान के चलिए 25 वर्ष की होती है। 25 वर्ष तक ये ज़िंदा रहता है। और इसकी लंबाई जो है 18 फीट है। ये 18 से समझ लिए 16-18 के बीच में रहता है। और इसका वजन 800 से लेकर समझो 100 किलो तक का होता है ये मान के चलिए। इसका बालू खा, ये है प्रियार, बबूल की पत्तियाँ तथा कोपले वपले ये सबको खाता है। ये सबसे ऊँचे, मतलब ऊँचे कद का जानवर है ये मान के चलिए आप। ये जिराफ देखिए किस तरह से बहुत ही कम पाया जाता है, मतलब कि जू वगैरह में। लेकिन यहाँ पर है एक जिराफ, ये भी बाहर से ही लाया गया है क्योंकि ये चलता है ज़्यादा जल्दी तो मरता है नहीं ये। तो इसकी लंबाई देखिए कितनी, इसकी गर्दन देखिए कितनी ऊँची है ना। देखिए बिल्कुल हमारे जू में एक खासियत है, लेकिन यहाँ पर जितने भी हम लोगों ने जानवर देखे सब साफ सुथरे हैं। हाँ ये अच्छा ही है। ऐसा नहीं पेड़ में देखिए उसके लिए भगोना टंगा हुआ है क्योंकि इतना लंबा होता है, खाने के लिए उसको झुकना ना पड़े। सारी सुविधा करके बिल्कुल देखिए कैसे खड़ा, जैसे लगा पुतला है। देखिए अब हिला, मतलब बहुत लोग तो आप देख के समझेंगे पुतला। देखिए ये देखिए कैसे हिला, ये चला भी। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये इसीलिए अंदर बबूल का पेड़ है। देखिए बबूल की पत्तियाँ बहुत खाता है। ये देखिए ये चला आ रहा, ये लंबाई देखिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं अपने व्यूअरों को क्या है। ये देखिए कितना भयंकर है ये। ये देखिए बिल्कुल हम लोगों ने इसको एकदम पास से शूट करा है। देखिए एकदम ये देखिए ये मस्त घूम रहे हैं सब अंदर, सारे यही हैं इसके अंदर आगे तक। चलिए देखते हैं आगे और क्या है। ये देखिए ये है बारहसिंगा, ये इसको सांभर भी बोलते हैं ना।
ये नर इसकी लंबाई सब जो 5 से 5 फीट की होती है और ये 16 से 20 वर्ष तक कम से ये भी रहता है जिगर। वन सावन के मैदान दलाली क्षेत्र शाकाहारी है, घास खाता है ये। देखिए कितने सिंह, देखिए उधर चला गया ये है ये बिल्कुल, देखिए है पे। चलिए आइए आगे आगे दिखाते हैं। देखिए गाइस हम लोग भालू को ढूंढ रहे थे, कितनी मस्ती में पड़ा, देखिए दोनों टांगे उठाए मस्त हो रहा है, इसको ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचे आखिरी में यहीं मिला आके, वो बिल्कुल मस्त है। इसको हम कहेंगे थोड़ा जूम करके दिखाइए। ओ कालू लालू मूड में नहीं है, कर हट मूड नहीं है, देखिए आराम फरमा रहा है, बिल्कुल मस्त है एकदम। देखिए बिल्कुल आनंद की व्यवस्था, तो दोनों टांगे ऊपर देखो कैसे करे दोनों टांगे ऊपर, मस्त हो रहा है सही बात, क्या जिंदगी। ये देखिए अच्छा, ये देखा बस, इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा। चलो अभी मूड सोता ही भालू देख लीजिए, देख लीजिए चला जा रहा है बिल्कुल। देखिए इसकी लंबाई, देखिए इसके पैरों में सारी इसकी ताकत है, गर्दन तो उससे ज़्यादा लंबी है। ये बिल्कुल डक की तरह चल रहा है, ये देखिए बिल्कुल मस्त है एकदम। ये देखिए एक रेलगाड़ी से ऋषभ जी यहाँ भी खड़ी, लग रहा है तो पंचर हो गई है है ना, ख़राब है ना, इसकी हालत बड़ी दयनीय हो चुकी है, तो इसे 100 पीस में धर दिया गया है बिल्कुल बिल्कुल। ड्राइवर लापतागंज हो चुका है और आप चाहे तो इसकी सेल्फी ले सकते हैं। आके बैठा खा रहा है बिल्कुल मस्त, देखिए एकदम ये। हाँ भाई क्या हाल है, देख लो नाराज है बिल्कुल, बोलने की फिराक में नहीं है। ये बेनेट बंदर के नाम से है भाई, इसका भार 8 से 10 किलो का है ये बंदर। इसकी आयु भी लमसम 25 वर्ष की होती है। ये भी फल बेरी पत्ती कीड़े मकोड़े मकड़ियाँ खा जाता है, तो मान के चलिए। ये भारत उत्तरी गोदावरी नदी के टिकट मतलब नदी के तट पे पाया जाता है। और ये देखिए बंदर की गाड़ी देखिए आप अभी मूड में नहीं है। ओ ये देखो ये तो फुल मस्ती में। ओ चाचा इधर चाचा, दांत खाद खुजली से परेशान हो चाचा? चाचा मूड में नहीं है, ये देखिए सटासट खींचे जा रहे कि कोई ले ना ले। अरे इधर देख लो चाचा एक बार, तुमको हम हाईलाइट करते। ओ चाचा इधर इधर, हाँ चाचा इधर इधर, अरे 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 मुस्कुराइए, देखिए आप मुस्कुराइए कि लखनऊ में, ये देखिए कैसे मुस्कुरा रहे। अरे चाचा अरे चाचा, अरे डिस्को मत करो चाचा प्लीज। ओ चाचा चाचा मूड में नहीं है बिल्कुल, पूरा हिला जा रहा चाचा। अरे भाई इधर देखो दो, अरे क्या हाल है। ओ चाचा इधर देख दो यार, ये देखिए कह रहा अभी हम लोग मूड में नहीं है। वो देखो वो अपने फिराक में, रस्सी खोलने के फिराक में है। ये देख लीजिए ये सब मेल हैं, 11 किलो के हैं कम से कम, ये 10 से 11 किलो के हैं सारे बंदर ये। वाह चाचा नहीं बोलेगा, कह रहा तुम कुछ भी कर लो हम नहीं बोलेंगे ना। हिरणों का झुंड किस तरह से बैठे आराम कर रहे हैं ये हिरण, देखिए कितनी तादाद में बच्चे छोटे बड़े नर मादा सब है, बिल्कुल धूप का आनंद ले रहे हैं और देख सकते हैं कितने खुश हैं बेचारे, क्या करें हैं तो कैद में लेकिन अपने दिल को बहला चचा घूम रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है इनके लिए। ओ चचा इधर देख लो, हाँ ये देखिए आप बिल्कुल ये फुल मस्ती में है ये बिल्कुल, ये मिल गया खाने को कुछ लग रहा है इसको, ये निकला और ये छिप गया देखिए पीछे जाके, शर्मा गए चचा। चलो कोई बात नहीं, चचा की एक झलक तो पा ही लिया हम लोगों ने। यह है चिंपांजी, ये अफ्रीका युगांडा तंजानिया में पाए जाते हैं, बताओ नहीं सर आ रहा शर्मा रहा। हाँ ये देखिए ये बहुत बुद्धिमान जानवर होता है ये, देखिए ये देखिए फुल मूड में आ गया, ये बहुत बुद्धिमान जानवर, मनुष्य की जाति का निकटतम ये प्राणी है ये चिंपांजी। और ये खाता क्या समझ लो, ये चीटी शाकाहारी होते हैं और दीमक भी खा जाते हैं, पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा। और इनके बच्चे जो है 3 साल तक इनके साथ में रहते हैं,
इसकी इसकी लंब इसकी जो लंबाई 4 से 5 फीट की होती है, और 40 मतलब ये मान को 60 किलो से लेकर 35 किलोग्राम उसके होते हैं। ये इनकी आयु सबसे लंबी होती है, 40 से 45 साल के होते हैं। और ये अफ्रीका का मूल निवासी होता है, अफ्रीका में पाया जाता है, होता है ये सोच लो विदेशी। हाँ चलो ये आएंगे नहीं कुछ, अच्छा तो आएंगे नहीं। चलो भैया कोई बात नहीं, तुम तो वहाँ मिले नहीं, हम चले आए, ठीक है कोई बात नहीं, आराम करो, चाचा से बोलो। चलो आ जाओ, वही खड़े हो जा रहे, इसको बनाए क्या यार, अभी सामने आ जाएगा तो पता चला हालत ही पतली कर देगा यार ये तो। बाप रे बाप, बड़े भयंकर भयंकर सांप है यार भाई। ये देखिए दूसरा, इधर इसकी लंबाई देखो कितनी है, वहाँ से ये है यहाँ तक कोने तक है, देखिए बाप रे बाप कितना बड़ा है, कौन हिम्मत कर सकता है, पाइथन है ये, बाप रे बाप पाइथन है। कैचू छोड़ दिया उसने, इधर नहीं है कुछ, ये देखो ये अंदर सो रहा है, दिखेगा ही नहीं, उधर देखना है, उधर से इधर शीशा चमक रहा है, ये देखो ये देखो, ये तो फुल मस्ती में है यार। इसका भाई तो इधर सो रहा लग रहा है, इसका ब्रदर घूम रहा है। और भाई क्या हाल है, ठीक हो? हाँ कोई बात नहीं। ओह माय गॉड, ये सब देख देख के तो दिमाग खराब हो जाते, भयंकर भयंकर सांप है यार ये तो। ये देखो इसकी लंबाई देखो कितनी होगी, ये भी बहुत खूंखार है, ये देखिए कितना भयंकर सांप है, बिल्कुल फुल मस्ती में सो रहा है इस टाइम, बताइए बिल्कुल आराम दे आराम में है, बिल्कुल छेड़ा नहीं कि आपका काम लग गया। आइए फुल मस्ती में देखिए, ये देखिए इसने ये उठाया और बोला बेटा मुझे ज़्यादा कैद मत करो, अगर मैं कैद से बाहर आ गया तो तुम्हारा कैमरा कैमरा ही छूट जाएगा। देखिए भाई साहब इसकी लंबाई देखिए सर आप लोग, और कितनी कौन एम चला गया, कहाँ सुनेगा ऋषभ जी आपकी आवाज़, ये इसकी लंबाई केवल आप देखिए। आइए इन्हें सीनरी के बीच में रखा गया है, ये ठीक है, ये देखो अंडे अंडे भी देते, देखो खा जाते खुद ही लग रहा है मार्केट में ना, देखो इसको देखिए, यहाँ देखिए कितना बड़ा सांप है ये देखिए, ये इनके कम से कम नाम हम लिख के लगाने चाहिए तो कम से कम हम लोग पढ़ के लोगों को बता सके कि नहीं सर जी, की बात है कि नहीं, नंबर डाले हैं बस, नंबर से क्या पता लगा 20 नंबर 21 नंबर, गंदगी बहुत है। हाँ ये देखिए इसके अंदर रख रखाव का आभास, ये देखिए ये देखिए कितना बड़ा है, हमको लग रहा है इससे इसका दो मुँह है, हाँ कि दो है, ये दो है, कम से कम नाम लिख के रखना चाहिए यार, कम से बताएंगे तो लोग क्या बताएंगे इस तरह से, दो मुँह दो मुँह, ये देखिए इसको देखिए, ओ ये तो फुल, ये तो फुल एक्शन में है, एक एक्शन में, ये देखिए कह रहा हमारी सेल्फी ले लो, साठ गांठ देखिए मेरे, सेल्फी ले लो भैया इनकी भी आप ले लिया आगे देखिए। ये तो उड़ने वाला सांप है भाई, इसकी लंबाई 5 फीट तक बढ़ सकता है, ये झाड़ियों में सूखी पत्तियों में रहता है, इसकी पहचान है ऊपरी शरीर जंजीर जैसे आकार के धब्बे, ये पूरे भारत में पाया जाता है, सुन लो रेड सैंड, इसके रेड सैंड है, ये खाता क्या है चूहे चिड़िया छिपकली, ये भी पूरे भारत में पाया जाता है, देखिए कलर देखिए आप इसका, मानना पड़ेगा। आइए इसमें गायब हो चुका है, इसमें भी गायब हो गया, इसमें गायब हो चुका है सर, छोड़ दीजिए इनको छोड़ दीजिए, अब स्मेल का है क्या रही है, परफ्यूम लगाते हैं ना साहब, साहब लोग परफ्यूम लगाते हैं, ये क्या पीछे भी है, पहले इधर ले लो सांपों को ले लो फिर तो उधर लेंगे, ये हिसाब ख़त्म कर देना, और देखें ये देखिए बिल्कुल, ये स्टेशन के बच्चे देखे एकदम, चलिए अरे तोते हैं मिट्टू, ये देखिए मिट्टू, देखिए रंग बिरंगे तोते कितने कमाल के तोते हैं ये, ओ तोतो। हेलो गाइस, अब आपसे एक बार फिर से
हम लोग यहाँ का ब्लॉक हमने आप लोग के लिए बनाया, दिखाया चिड़ियाघर के बारे में, दिखाया जो लखनऊ का सबसे बड़ा जू है, हमने एक एक चीज़ कवर करके आपको दिखाया जो जितना हो सका। फिलहाल यहाँ तो कोई चीज़ ऐसी नहीं बची जो हमने आपको नहीं दिखाई है, जानवर से लेकर पेड़ पौधे पक्षी सब कुछ दिखाया। हम चाहेंगे कि हमारे इस ब्लॉग को आप पसंद कीजिए, इस पर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आप कमेंट में लिख के बताइए। इसी तरह हम देहरादून से बना के आए, उत्तराखंड से बना के आए, आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया, हमें कमेंट करा, हमें अच्छा लगा। और कुछ वहाँ की जगह रह गई हैं जो हम बनाएंगे, उसको हम छोड़ के आए हैं इसलिए कि आने वाले समय में फिर हम उस जगह पर जाएँगे कि उसके लिए भी हम लोग ने फिर से प्रिपेयर हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। बस हम इसी तरह चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए बस, और सब्सक्राइब करते रहिए बस। हम अपने ब्लॉग को इसी जगह समाप्त कर रहे हैं, नेक्स्ट ब्लॉग के लिए हम तैयारी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तब तक हमारे चैनल में आप इसी तरह बने रहिए, और बस यही कहूँगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, दुआओं में हमें याद रखिए। ओके गाइज, गुड लक, बाय।